बरसाना कोड पास करा करके विधानसभा से भेज दिए हैं। झारखंड के युवा बेरोजगार युवा जो है वो सड़क पर है सर, दो साल सर सरकार का बचा हुआ है, इन दो सालों में जो बेरोजगार है सर उनको नौकरी लगेगी? देखिए पूरे को तो नहीं लगेगी, लेकिन इसके लिए हम लोग नियोजन नीति भी बनाए, जितने भी जैन हैं उसको सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मानते हैं, धर्म स्थान मानते हैं, ये तो दो मत है नहीं, पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन आदिवासी भी इसी जंगल पहाड़ के रहने वाले हैं, तो दोनों को मिल बैठ करके समझाना चाहिए कि कौन कितना दूर तक रहे। रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस जीतेगी सर? पक्का जीतेगी, एकदम जीत निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं जीएन भारत स्पेशल संडे। और सीधी बातचीत में हम ले चलेंगे आपको, आज रूबरू कराएंगे राज्य के वित्त मंत्री और झारखंड पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह डॉक्टर रामेश्वर उरांव व जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जी के बीच हुए कुछ अनछुए पहलुओं से। बताएंगे कि झारखंड की विकास की गाड़ी में कितनी तेजी से दौड़ रही है, आम लोगों की समस्याएं, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारों को नौकरी से लेकर आदिवासियों का जल जंगल जमीन की सुरक्षा जैसी तमाम बड़े मुद्दों पर जीएन भारत के चीफ इन एडिटर ऋषिकेश मिश्रा जी ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव से उनके बरियातू स्थित आवास पहुंचकर लंबी बातचीत की, साथ ही ताजा पॉलिटिक्स नब्स भी टटोलने का प्रयास किया। तो आइए हम सीधा आपको ले चलते हैं बरियातू स्थित डॉक्टर रामेश्वर उरांव का आवास और सुनते हैं जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जी और डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बीच हुए कुछ किस्से। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज मैं झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास पर हूँ, झारखंड का ताज़ा हालात पर चर्चा करने के लिए एक ख़ास मुलाकात में उनके पास आया हूँ। आइए जानते हैं झारखंड की स्थिति परिस्थिति पर उनकी क्या राय है। भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। सर मेरा पहला सवाल होगा, 3 साल हो गए सर सरकार बने, विकास की गति गाड़ी कितनी तेज़ दौड़ रही है सर? देखिए 2 साल तो कोरोना के वजह से रफ्तार बहुत धीमी रही गाड़ी की, विकास की गाड़ी की, लेकिन 3रा साल से मैं कहूँगा कि रफ्तार तेज हो गई है। कारण ये है कि आप बजट की राशि है उसके खर्च से अनुमान लगाते हैं कि विकास का काम कितने हो रहे हैं। तो मैं बताऊँ आपको कि 22 साल में पहला दफ़ा है कि दिसंबर महीने तक जो एक्सपेंडिचर पहले 34-35% होता था बजट राशि का, वो पहले दफ़े दिसंबर महीने तक 50% से पार कर गया था। तो इसका मतलब है खर्च बढ़ाए गए हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं और काम हो रहे हैं, विकास का काम हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि विकास की गति तेज चल रही है इस बरस से। सर झारखंड के युवा बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़क पर हैं सर, लोगों में एक बड़ी आक्रोश है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों पार्टियों ने मिलकर वादा किया था कि यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी सर, आक्रोश बहुत है लोगों में, युवाओं में खासकर जो पढ़े लिखे युवा हैं सड़क पर हैं सर। देखिए स्टेट पॉलिटिक्स में जब मैं आया 2019 के इलेक्शन के समय में, तो पूरी इच्छा थी मेरे जैसे और लोगों को भी कि अगर सरकार बनेगी तो हम रोज़गार देंगे लोगों को। पहला तो जो वैकेंसी है पहले से आ रही है सरकारी नौकरियाँ, हम उसका पूरा भर देंगे। दूसरा कि अवसर पैदा करेंगे रोज़गार का, यहाँ जो कंपनियाँ हैं विभिन्न व्यवसाय में उनको हम बाध्य करेंगे कि जो भी नौकरियाँ दें यहाँ के लोगों को दें, यहाँ के जवानों को दें। लेकिन इसके लिए हम लोग नियोजन नीति भी बनाए। हमारे ख्याल से नियोजन नीति बहुत अच्छी है, पहले भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम लोगों ने बनाया था, शिक्षा के आधार पर बनाया कि जो यहाँ पढ़े हैं उन्हीं को देंगे, भाषा का उसको आधार दिया,
यहाँ का जो भाषा जानते हैं उनका टेस्ट लेकर के उनको हम देंगे। संस्कृति के आधार पर भी इसी तरह से किया गया, लेकिन कमेंट करना संभव नहीं है। माननीय हाईकोर्ट में ये निरस्त हो गया। तब प्रक्रिया शुरू है फिर से, सरकार कर रही है कि निर्जन नीति बनाएगी नया, पुराने जो रद्द हुए हैं, इसके पहले भी रद्द हुए थे निर्जन नीति, उसमें क्या कमी रही है उसको दूर करते हुए नया बनाएंगे और नियुक्ति कार्य शीघ्र से पूरा करेंगे। और एक कमेटी भी आपने अखबार में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाया है 5 विधायकों की, कि प्राइवेट सेक्टर में कितने रोजगार दिए गए इस अवधि में, 3 साल की अवधि में, और झारखंड के कितने प्रतिशत लोगों को लिया गया, तो इस सब का असर पड़ेगा और रोजगार बढ़ेंगे। तो सर 2 साल सर सरकार का बचा हुआ है, इन 2 सालों में जो बेरोजगार हैं सर उनको नौकरी लगेगी? देखिए पूरे को तो नहीं लगेगी, ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए युवाओं को कि हम लोग प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, हम जरूर कुछ करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे पाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनियां आ रही हैं या बाहर से जो फर्म स्थापित हो रहे हैं उनसे भी रोजगार ज़्यादा दिलाएंगे। सर बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बालू माफिया हावी हैं, बालू की चोरी खुलेआम हो रही है, तो सर पार्टी तो कहीं बदनाम हो रहा है ना सर इन चीज़ों से? देखिए ये बात सही है कि अभी 2 दिन का प्रवास था लोहरदगा इलाके में, वहाँ भी लोग शिकायत किए। मैं समझता हूँ कि कुछ हमारा जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी का जिला में या प्रखंड में, उसके भी थोड़ा सा लापरवाही दिखती है। जैसे कि गए हम लोहरदगा थाने ब्लॉक के अंदर में एक जगह गए तो बोले कि हमको बालू नहीं मिल रहा है, हम घर बना रहे हैं। तो सरकार का आदेश है कि छोटे छोटे बनाने के, बड़ा तो नहीं होगा, छोटे छोटे जो घर बना रहे हैं लोग उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीओ को आदेश दिया गया था, डीसी और सीओ को, कि मुखिया से परमिट दिला करके उनको बालू दिया जाए, उनको दिक्कत नहीं हो। यहाँ मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था गांव वालों को कि वो सीओ को अप्रोच करते, मुखिया को अप्रोच करते और बालू लेते। 100 रुपये जमा करना है और परमिट लेना है और बालू लेना है, अपने से ढो लेना है नदी से। तो इस तरह का कमी है, जागरूकता की कमी है, सूचना की कमी है, सूचना नहीं दी गई लोगों को, इसलिए भी लोग दिक्कत में हैं। सर झारखंड पॉलिटिक्स के आप भिसभितामय हैं, तो इसका निराकरण क्या है सर? आप बहुत ज़मीनी स्तर के हैं, बहुत एक एक लोगों से मिलना जुलना सब कुछ जानते हैं सर, लोगों का दर्द को महसूस आपने किया है, एक गरीबी को आप महसूस करते हैं सर, ये बालू का जो प्रॉब्लम है लोगों के बीच समस्या खड़ा हो गया, इसका समाधान क्या है सर? समाधान ये है कि सरकार की तरफ से व्यवस्था हो कि जो बड़े टेंडर होना है जल्दी से हो जाए, और छोटे छोटे जो उपायुक्त लोगों को, डीसी लोगों को, सीओ लोगों को घूम घूम के इन लोगों को बताना चाहिए, लोगों को, मुखिया लोगों को एक मीटिंग बुला ले, ये लोग मीटिंग बुला के कहे कि जितना प्रधानमंत्री आवास योजना का बन रहा है या छोटी मोटी मरम्मती है, कुआं बन रहा है, इस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा जो काम हो रहा है उसके लिए तो मुखिया और सीओ ही काफ़ी हैं। अब परमिट देंगे मुखिया 100 रुपये लेकर के, सीओ उसको अप्रूव कर देंगे और हो जाएगा। तो है सोल्यूशन, नहीं ऐसी बात नहीं है, सोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को जागना पड़ेगा। सर 32 खतियान और सरना कोड बड़ी मांगे रही हैं सर झारखंड वासियों का, इस पर केंद्र का क्या होगा सर? देखिए केंद्र का कहना मुश्किल है, मुश्किल ये इसलिए है कि हम लोग तो अपना वादा पूरा किए झारखंड के आदिवासियों को, सरना धर्म मानने वालों को, सरना कोड पास करा करके विधानसभा से भेज दिए हैं। अब वहाँ भारत सरकार को संज्ञान लेना है, लेकिन एक बयान पढ़ रहा था अभी अर्जुन मुंडा जी का, बोले कि पूरे देश को ले करके हम इस पर सोचेंगे, तो सोचेंगे तो अच्छी बात, एक अच्छी पहल होगी, सोचे ही पूरे देश को ही, वो तो देश चला रहे हैं तो देश को ही सोचें। और ये सभी जगह मांग है, कोई झारखंड की अकेला मांग नहीं है, ये कोड का, धर्म कोड का आदिवासियों के लिए दिया जाए, नाम जो देना है दे दीजिए, हम लोग तो सरना कोड बोल रहे हैं, लेकिन जल्दी कीजिए,
जो जब भी सेंसस हो, अगला सेंसस, तो कोड मिल जाना चाहिए। सर, ताज़ा विवाद पारसनाथ पर हुआ है। सर, पारसनाथ पर सर आदिवासी अपना अधिकार दिखा रहे हैं, सर जैन समाज के लोग अपना अधिकार दिखा रहे हैं, सर एक बड़ा मुद्दा हो गया, इस पर क्या आपका विचार है? नहीं, मुद्दा को सुलझाना चाहिए, खाना बैठाना चाहिए दोनों को। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि जैनों का तीर्थ स्थल कोई देश का नहीं, राज्य का नहीं, देश का नहीं, विश्व के जितने भी जैन हैं उसको सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मानते हैं, धर्म स्थान मानते हैं। ये तो दो मत है नहीं, पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन आदिवासी भी इसी जंगल पहाड़ के रहने वाले हैं, यही क्यों हर पहाड़, जैसे मेरे गांव में एक पहाड़ है गांव के बीचों बीच, उसकी पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं साल में एक बार, सरहुल के समय में पूजा करते हैं। तो हर पहाड़ जंगल के हम लोग पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक हैं हम लोग। तो दोनों को मिल बैठ करके समझाना चाहिए कि कौन कितना दूर तक रहे, कैसे इसको सूझे, इसका पहल होने चाहिए। सर, वर्तमान मौजूदा जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके कुछ विधायक बहुत नाराज है, सरकार से ही नाराज है, और उनका आरोप है कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। जिस अरमान से आदिवासियों ने वोट दिया सरकार को, कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उनका हिफाजत नहीं हो रहा, उनके ज़मीन का, उनके स्मिता का हिफाजत नहीं हो रहा। सर, नहीं, इसको मैं ये इस तरह से देखता हूँ कि हिफाजत हो रही है, जहाँ जहाँ मेरी जानकारी है, जहाँ रजिस्ट्रेशन का केस सफल रहा है तो कब्जा भी दिलाया जा रहा है, उनको आना चाहिए, पहल करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। केस जीते तो डीसी के पास, एसपी के पास पहुँचना चाहिए, फोर्स लेकर के उसको कब्जा दिलाना चाहिए। डीसी लोग को भी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कर्तव्य बनता है, सीईओ का बनता है, एसडीओ का बनता है, डीसी लेयर का बनता है, इस सबको मिल करके अगर फैसला आया है तो उस आदिवासी के पक्ष में कब्जा दिलाना चाहिए, मैं ये कहूँगा। सर, रामगढ़ चुनाव में कांग्रेस जीतेगी? सर, पक्का जीतेगी, एकदम जीत निश्चित है। लेकिन इसलिए जिससे जब कर रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, किया हूँ, मैंने भी बोला, वो भी कहते हैं कि देखिए हम लोग दिए थे वोट 5 साल के लिए, 3 साल में बेचारे विधायक को जेल जाना पड़ा और डिस्क्वालीफाई होना पड़ा, तो 2 साल बचा हुआ इसका मियाद, तो 2 साल तक तो अगली इलेक्शन है इसको तो दे देंगे, अब 5 साल पूरा होगा तो इसके बाद नया सोच होगी हमारी, लेकिन अभी तो देंगे। सर, गांव के गरीब लोगों का 2 डिमांड है सर आपके विभाग से। एक तो है सर कि ग्रामीण बैंक जो है वहाँ पर जो केसीसी लोन लिए हैं ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने, तो उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता है। बैंक ऑफ इंडिया तो करता है, लेकिन ग्रामीण बैंक जो है वो सेटलमेंट नहीं करता है, तो जो नहीं दे पा रहे हैं पैसा उनके लिए कोई रास्ता नहीं है सर, सारा रास्ता बंद है। और दूसरा है सर, केसीसी आप लोग जो माफ़ कर रहे हैं, तो एक राशन कार्ड पर 7-7 मेंबर हैं लेकिन एक ही लोगों का माफ़ हो रहा है सर, तो ये दोनों सवाल पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक परिवार में एक आदमी को माफ़ कर रहे हैं हम, अब 7 आदमी हैं, 7ों कर्ज ले लिए हैं, 50-50 अगर मान ले के 50,000 रुपये बकाया है उनका, तो इनका 7 का आधा 3.5 लाख हो जाएगा, उनका 3.5 लाख के बराबर। उतने पैसे सरकार के पास नहीं होते, इसलिए हम लोग चुनते हैं, कोई भी चीज़ चुनते हैं, हम लोग परिवार को यूनिट मानते हैं, परिवार में हम माफ़ कर देंगे। तो ये भी देखना होगा कि परिवार में कोई कोई ऐसे भी मिलते हैं कि एक ही आदमी है, 3 बैंक से लिया कर्ज लिया है, अब बोला तीनों को माफ़ कर दीजिए तो 1.5 लाख देना पड़ेगा, तो बाकी को क्या देंगे हम? तो सबको पुराना है ना, तो ये भी एक चक्कर है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। उनको भी जो कर्ज माफ़ी मांग करने की मांग कर रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार के पास कितने पैसे हैं, कितना को ओबलाइज कर सकती है सरकार, कितना का माफ़ कर सकती है, कितना पैसे में लगेगा सरकार को। तो अभी हम शुरू किए थे एक एक आदमी के लिए, हर परिवार, किसान परिवार में एक कर्ज माफ़ होगा, तो उसी पर लगे हुए हैं। सर, थोड़ा हट के सवाल है सर, आपका सर उम्र लगभग 75 पार कर गए सर, आपका जो सेहत है सर, फिटनेस है, उसका राज क्या है सर, और युवाओं को क्या कहेंगे? नहीं, फिटनेस का राज यही है कि नियमित जिंदगी जीता हूँ मैं, सुबह उठकर टहलना, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना, इधर कोरोना की वजह से थोड़ा कमजोरी बढ़ गई थी, डॉक्टर ने काफ़ी खिला दिया तो वज़न बढ़ गया, वज़न घटाने में लग रहा है हमको, समय लग रहा है, घट जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा।
तो सलाह दूंगा जवानों को, लोगों को, कि आप नियमित ढंग से एक्सरसाइज कीजिए, है ना, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और खान पान पर ध्यान दीजिए, पानी बढ़िया पीजिए, कोई बीमार नहीं पड़िए, और खाना भी हल्का खाइए, हल्का खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी खाना है हल्का खाइए। सर, जीएन भारत में आपने बहुमूल्य समय दिया सर, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, जीएन भारत को, ये अच्छा है, आप जगह जगह आप लोग पहुँचते हैं, गाँव देहात में जाते हैं, टोले में जाते हैं, आप तो खुद बिशुनपुर के रहने वाले, जंगल किनारे घर है आपका, आपके घर में गए हैं, खाना खाए हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की बात को समाज में और सरकार में पहुंचा रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।